मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय समय के चुनाव में, वो पूरी परफॉर्म भेज दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। बना लिया जो पीडीए की जरूरत पड़ गई सर। मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय समय के चुनाव में, वो पूरी परफॉर्म भेज दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पर लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए।